नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। अच्छा, आज हम लेने वाले हैं आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास। हिंदी व्याकरण में हम करेंगे प्रश्नोत्तरी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे, प्रश्नोत्तरी ही चल रही है आपकी। आपको पता है राजस्थान LDC हाईकोर्ट के एग्जाम में आती है हिंदी व्याकरण के 50 प्रश्न आते हैं, हिंदी व्याकरण के 50 प्रश्न। तो आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है हिंदी व्याकरण के प्रश्नों में? प्रश्नों का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, प्रश्नों का लेवल सरल सरल है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से आप दे पाएंगे उत्तर। अभी हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आपने ध्यान दिया होगा मेरी सती सर के साथ में क्लास होती है, तो हिंदी और इंग्लिश आपका साथ में कंप्लीट होते जा रहा है। चलिए, सबसे पहले जो भाई, जो लोग भी नए हैं क्लास के लिए, जो लोग नए हैं क्लास के लिए, जान लेंगे आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक है रिजल्ट गुरु ग्रुप, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि भाई क्लास से रिलेटेड सारी जानकारियां आपको मिल जाए, क्लास की जो PDF है वो भी यहाँ पर अपलोड हो जाती है, तो कुछ भी मिस नहीं होगा। इसके बाद जिन जिन प्रश्नों में खासकर आपको डाउट हो रहा है, वो प्रश्न भाई पहले से ही साइड कर ले, उन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से हल करें। बाकी तो जो आपके ठीक होते हैं उनको चाहे तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं कि नहीं हमारे कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं, ऐसा ना करें। अभी ठीक ठाक समय है तो परेशान नहीं होंगे। सबसे पहले देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। इन प्रश्नों को हम कहते हैं थोड़ा सा हलवा मान सकते हैं, सच में थोड़ा सा हलवा है। कैसे? तिथि देखें, नीति देखें, परिवार देखें, पूर्ति देखें। क्या ध्यान देना है, इनमें से पूछा जा रहा है कि अशुद्ध कौन सा है, तो तिथि और अतिथि काफी बार पूछा जाता है। ध्यान देंगे, तिथि भी जैसे लिखा जाएगा आपका, अतिथि भी उसी का ही रूप होगा, दोनों ही शुद्ध है, नीति शुद्ध है, परिवार शुद्ध है, लेकिन पूर्ति में दिक्कत है। पूर्ति में क्या दिक्कत है? पूर्ति होगा क्या? पूर्ति, उच्चारण करके देखें तो पता चल जाएगा, पूर्ति भी नहीं होना चाहिए, पूर्ति होगा लेकिन त पर छोटी की मात्रा होगी, तो ये आपका शुद्ध होगा, डी वाला है गलत। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से एक शब्द आपका शुद्ध है, बाकियों में है दिक्कत। क्या उत्कर्ष शुद्ध है, क्या एकत्रित शुद्ध है, क्या सदिश शुद्ध है, या स्थायित्व शुद्ध है? तो इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? उत्कर्ष देखें, एकत्रित देखें, सदृश देखें, स्थायित्व देखें। अब भाई देखकर ही लग रहा है उत्कर्ष नहीं, उत्कर्ष होता है। सही से उच्चारण करेंगे तो शब्द अपने आप ठीक हो जाएंगे। शब्द शुद्धि के लिए, वाक्य शुद्धि के लिए आसान सी ट्रिक, सही से उच्चारण करके देखें, सही से बोल कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गलती कहाँ हो सकती है। वाक्य शुद्धियों में भी आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, शब्द शुद्धियों में भी प्रैक्टिस थोड़ी कम है। कुछ कुछ शब्दों में ज्यादा प्रैक्टिस करने से शब्द ठीक हो जाते हैं, जैसे कि आपका उज्ज्वल है, आशीर्वाद है, क्योंकि इनमें सामान्य सी गलतियां होती हैं, तो बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा सही से हम उत्तर भी दे पाएंगे। ये हो गया आपका आशीर्वाद। भाई श पर बड़ी की मात्रा लगेगी और व पर क्या लगेगा? व पर लगेगी आपकी र वाली मात्रा। आशीर्वाद, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन अगर उत्कर्ष देखें, सुनकर ही लग रहा है उत्कर्ष नहीं, उत्कर्ष होता है, एकत्रित नहीं, एकत्रित होगा। आगे देखें, सदृश सही होगा, स्थायित्व सही होगा। सदृश एकदम सही है, सदृश भी मिलता है आपको, सदृश भी मिलता है जो आपकी आंखों के सामने है, जिसे आप देख सकते हैं, क्या कहलाता है? सदृश है वो आपके, तो सदृश। अच्छा, स्थायित्व होगा या स्थायित्व होगा? स्थायित्व या स्थायित्व, सीधे सीधे पता चल रहा है स्थायित्व नहीं, स्थायित्व होगा, छोटी वाली मात्रा आनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि कौन सा शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द है शुद्ध, किसमें आपको थोड़ी सी भी गलती नहीं दिखाई दे रही? दुराभिसंधि में, दुराभिसंधि में, दुर्भिसंधि में, या फिर दुर्भिसंधि में, किसमें आपको लगता है थोड़ी भी गलती नहीं है? बाकी जगह गलती होगी लेकिन इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक आपको नहीं दिखाई दे रही, देखें और बताएं। तो दुराभिसंधि कहा किसे जाता है? आपने सुना होगा मंत्रणा, एक शब्द है आपका मंत्रणा। कुछ लोग बैठते हैं, हो सकता है आप ही लोग बैठते हो अपने अच्छे खासे दोस्तों के झुंड में, और क्या कर रहे हैं? वैसे झुंड तो पशुओं का होता है, लेकिन हम लोग अपने मित्रों के झुंड को भी झुंड कह लेते हैं। अब क्या होता है, आप बैठे हुए हैं अपने दोस्तों के साथ, आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं मंत्रणा। किसके बारे में कर रहे हैं? कोई तीसरा आपका मित्र हो सकता है, कोई तीसरा हो सकता है जिसे आप सभी जानते हैं, लेकिन वो आपको अच्छा नहीं लगता, तो उसके बारे में कर रहे हैं आप मंत्रणा। सीरियल में आपने सुना होगा, इंडियन सीरियल्स में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, चाल। बहुएं चल रही है सास के लिए चाल, और सास बहु के लिए चाल चल रही है, क्या होता है? सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया जाता है, सबसे सिंपल लॉजिक। ये सब क्या है? आपकी मंत्रणा है। तो दुराभिसंधि क्या है? दो या तीन लोगों के बीच में भाई ऐसी मंत्रणा, ऐसी बातचीत जो बुराई के लिए हो रही हो,
ये आपकी दुरभि संधि कहलाएगी। दुरभि संधि क्या है? अब भाई संधि तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये भी दिक्कत है, एक बार सही से देख लें दुरभि संधि और दुरभि संधि, ठीक है? दोनों ही शब्द आपके समान लग रहे हैं हमें तो। अगर आपको लगता है कि दोनों में कुछ अलग है तो एक बार देखकर बताएंगे, बाकी हमें तो देखने से वैसे दोनों ही शब्द समान लग रहे हैं। द दपर छोटियों की मात्रा, र र भपर छोटियों की मात्रा, सन और धी, तो दुरभि संधि। ए भी ठीक है आपका, डी भी सही है, तो चाहे तो डी काट दीजिए, डी हटा देंगे इस ऑप्शन से, बाकी आपके बी और डी गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द की तरफ इशारा करें। प्रदर्शिनी शुद्ध होगा, प्रदर्शिनी, 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 ये प्रश्न आपको करवाया जा चुका है लगभग 3 से 4 बार, कम से कम 3 से 4 बार हो चुका होगा। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस वाले प्रश्न में काफी बार मिस्टेक आती है। अब तक उम्मीद है सबको याद हो चुका होगा प्रदर्शनी का शुद्ध रूप क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार उच्चारण सही से करिए। प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी नहीं, प्रदर्शनी। अगर हम प्रदर्शनी कहते हैं तो कौन सा सही हो जाएगा? प्रदर्शनी सही हो जाएगा, प्रदर्शिनी नहीं भाई, प्रदर्शिनी। ये क्या है आपका? शुद्ध है, प्रदर्शिनी नहीं, छोटी ई वाली मात्रा नहीं आएगी, बड़ी ई वाली मात्रा नहीं आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि अशुद्ध शब्द इंगित करें, अशुद्ध शब्द की तरफ इशारा करें। उपकार अशुद्ध शब्द है, तत्व अशुद्ध शब्द है, उपर्युक्त अशुद्ध शब्द है, या अधीन अशुद्ध शब्द है। कोई आप पर कुछ है, किसी से आपको थोड़ा अच्छा फेवर चाहिए होता है, अब वो अच्छा फेवर क्या कहलाता है? उसका आप पर किया गया उपकार कहलाता है। तत्व क्या है? हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, ये सब क्या है? तत्व है आपके। उपर्युक्त, जब पीछे कुछ कहा गया है उसी का ही रेफरेंस लेकर आगे कुछ कहा जाए वो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त हो जाएगा। लेकिन अधीन होगा या अधीन होगा, इसमें भी कई गलतियां होती हैं। अधीन नहीं, अधीन होता है, और बड़ी वाली ही मात्रा लगेगी। राइटिंग थोड़ा मैनेज कर लें, अगर लगता है कि नहीं समझ आ रहा तो फिर से बता दें। अधीन होगा, अधीन नहीं होगा। वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द शुद्ध है, शब्द शुद्धि वाले प्रश्न भी रखे गए हैं, आगे अलग अलग विषयों से प्रश्न मिल जाएंगे, मिक्सअप सी प्रश्नोत्तरी है। पुरस्कार, बहिष्कार, तिरस्कार या पुरस्कार, देखकर कुछ पता चला? भाई आपके घर वाले कुछ अच्छा करने पर आपको पुरस्कार देते होंगे, पुरस्कार देते हैं या पुरस्कार देते हैं? पुरस्कार तो एकदम नहीं देते, पुरस्कार भले ही दे गए। अब बहिष्कार या बहिष्कार, हिंदी वर्णमाला में आपको 3 रूप मिलते हैं। एक रूप कौन सा है? ये आपका तालु वाला श, इसे आप क्या कहते हैं? तालु वाला श कहते हैं। क्यों? श बोलने पर आपकी जीभ तालु पर टकराती है दांतों से थोड़ा सा पीछे, आपका तालु वाला श कहलाता है। एक है आपका ये वाला श, जिसे आप षटकोण वाला श भी कहते हैं, षटकोण वाला श, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मूर्धा वाला श, मूर्धा या मूर्धन्य श। क्यों कहा जाएगा मूर्धा वाला श? मूर्धा स्थान क्या होगा? जहां पर आपकी जीभ पलट जाए, ट ठ ड ढ ढ, क्या वर्ण कहे जाते हैं? ये सब आपके मूर्धन्य वर्ण माने जाते हैं। ऐसे ही आपका श कौन सा वाला श है? मूर्धा वाला श, इसका उच्चारण स्थान भी माना जाता है मूर्धा। एक सा आपको और मिलता है, ये सा क्या कहा जाता है? दंत सा कहा जाता है। क्यों? स, स बोलने पर आपकी जीभ दांतों की तरफ जाती है, दांतों से थोड़ा स्पर्श करती है, इसीलिए इस सा को दंत सा माना जाता है। आगे देखिए, श क्लियर हुआ, श क्लियर हुआ, स क्लियर हुआ, दंते सा है, मूर्धा सा है, तालु सा है, ठीक है। चलिए आगे देखें, तिरस्कार लिखा है, पुरस्कार लिखा है, कौन सा ज्यादा सही होगा, कौन सा ज्यादा सटीक होगा? तो इनमें से आपका सही शुद्ध शब्द देखें, पुरस्कार एकदम सही है। आगे आए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप क्या है, इनमें से शुद्ध रूप या शुद्ध शब्द कौन सा होगा? अनुग्रहित शुद्ध है, संग्रहित शुद्ध है, उपग्रह शुद्ध है या विग्रह शुद्ध है, देखकर बताएंगे। वर्तनी की दृष्टि से आपको क्या लगता है इनमें से शुद्ध कौन सा है, किसमें आपको लग रहा है कि कोई गलती ही नहीं है, देखकर बता सकते हैं। आसान सा है, बहुत ही आसान सा है। चलिए वर्तनी की दृष्टि से पूछा गया इनमें से शुद्ध कौन सा है, अनुग्रहित शुद्ध है, संग्रहित शुद्ध है, उपग्रह शुद्ध है या विग्रह शुद्ध है। तो क्या ध्यान देने की जरूरत है? अनुग्रहित होता है, संग्रहित होता है, उपग्रह होता है या फिर उपग्रह होता है? तो उपग्रह होता है, यहाँ तो यही गलती है। सीधे सीधे जो आसान आसान लगे पहले उसे कर ले। अब विग्रह देख लीजिए, पहले देखेंगे कि विग्रह सही है या फिर विग्रह गलत है।
तो आपका विग्रह क्या माना जाता है? विग्रह तो एकदम सही माना जाता है, अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित होगा, अनुग्रहित मिल जाता है, ये शब्द आपका शुद्ध माना जाता है। री वाली मात्रा होगी र वाली, नहीं संग्रहित नहीं संग्रहित। अच्छा एक आपको एक बार इसे थोड़ा सा कंफर्म कर ले, ठीक है, विग्रह तो पूर्णता है कि भाई विग्रह एकदम सही है, विग्रह में कोई दिक्कत नहीं है, आपका संग्रहित भी सही है और विग्रह भी सही है, यही 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 दिक्कत थी कि विग्रह भी बिल्कुल सही होगा और संग्रहित भी बिल्कुल ठीक है, इन दोनों में दिक्कत नहीं है। तो वो चाहे तो ये मान सकते हैं कि प्रश्न थोड़ा गलत हो गया, या फिर ये कर सकते हैं कि मात्रा थोड़ी अलग लगानी थी, मात्रा थोड़ी ठीक लग गई है, तो आपका संग्रहित तो एकदम ठीक है। चीजों का संकलन क्या कहलाता है? संग्रहित कहलाता है, विग्रह एकदम सही है, तो दोनों को ठीक कर लीजिए या फिर ये प्रश्न हटा देंगे, आपके ऊपर है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है? प्रशंसा, प्रशंसा, परिशंसा, प्रशंसा, तो प्रशंसा एकदम सही होगा, बाकी में तो दिक्कत है। उच्चारण, उच्चारण पर फोकस करेंगे, शब्द अपने आप ठीक हो। सही वर्तनी बतानी है, किसमें सही वर्तनी है या कौन सा शब्द है आपका शुद्ध? सौहार्द शुद्ध है, सौहार्द शुद्ध है, सौहार्द लिखा हुआ है ऊपर, सौहार्द शुद्ध है, सौहार्द शुद्ध है या सौहार्द शुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है? सौहार्द, 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 तो क्या होगा? सौहार्द एकदम सही है, सौहार्द नहीं होता, ये वाला काफी बार गलत हुआ है, तो इसे थोड़ा ध्यान से करते हैं। सौहार्द नहीं, सौहार्द वाली स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, जब आपको बहुत खुशी होती है, तो सौहार्द हो रहा है। आगे देखिए, पूछा जा रहा है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है, जिसमें कोई जिसमें शुद्धता नहीं है? पुरस्कार, पुरस्कार, तिरस्कार या बहिष्कार, परिष्कार। अब क्या ध्यान देना है, इनमें से कहां पर आपको लगता है कि गलती है? पुरस्कार देखकर ही लग रहा है कि पुरस्कार में गलती है, तिरस्कार होगा एकदम सही, तिरस्कार या तिरस्कार, तो तिरस्कार एकदम सही होता है, परिष्कार एकदम ठीक है, पुरस्कार एकदम सही है। आगे देखिए, सदानंद। अच्छा अब भाई शब्द शुद्धि से थोड़ा हटकर अब आ गए हैं आपके संधि विच्छेद वाले प्रश्न, संधि वाले प्रश्न, संधि विच्छेद वाले प्रश्न। सदानंद, सतधन आनंद सही होगा, सतधन आनंद सही है। अब अंतर क्या है? सिर्फ एक हलंत का अंतर है, हलंत लगने से और हलंत ना लगने से क्या अंतर आता है सोचकर बताएं। सतधन आनंद, सदाधन आनंद, दोनों जगह आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर भी आप देखें तो क्या हो जाएगा, अगर सही से संधि करें तो क्या हो जाएगा? सदानंद हो जाएगा। यहाँ पर भी सही से संधि करें तो क्या हो जाएगा? सदानंद हो जाएगा। लेकिन सदाधन आनंद, सदाधन आनंद, ये शुद्ध नहीं होगा, सदा शुद्ध नहीं है, सद शुद्ध नहीं है। क्या शुद्ध होता है? सतधन आनंद शुद्ध होता है। और त कभी भी आपके वर्ग का पहला वर्ण, बार बार ये वाला सूत्र क्यों बताते हैं? ताकि कम से कम ये वाला भाई व्यंजन संधि में ये वाला सूत्र आप लोगों को याद हो जाए। त पहला वर्ण है, पहला कभी भी मिल जाए किसी भी वर्ग के पहले से, किसी भी वर्ग के तीसरे से, चौथे से, या फिर मिल जाता है य र ल व ह से, तो बदल जाता है किसमें? इसके अलावा अगर त आपका मिल जाता है किससे? किसी भी स्वर से, स्वर भी लिख लीजिए उसमें, किसी भी स्वर से मिलेगा तो बदल जाता है किसमें? द में बदल जाता है, अर्थात अपने से तीसरे में बदल जाते हैं, किसी को भी लेकर ये वाला सूत्र अप्लाई हो सकता है, सत धन आनंद सदानंद हो जाएगा। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? ये तो बड़ा आसान है, पुस्तकालय पूछ ले, हिमालय पूछ ले, कितना आसान है। कभी पूछे हिमालय में कौन सी संधि है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, क्या करेंगे? पुस्तक धन आलय, कितना आसान है। पुस्तकों का घर या पुस्तकों के लिए घर क्या कहलाएगा? पुस्तकालय कहलाएगा। इसमें आपको समास भी दिख जाएगा, संधि तो दिख ही रही है, तो पुस्तक के लिए आले पुस्तकालय कहलाएगा। संधि कौन सी होगी? तो संधि हो जाएगी आपकी दीर्घ गुण वृद्धि यण, यण में या तो आपको य मिलेगा, या तो व मिलेगा, या तो र मिलेगा। वृद्धि में आपको अय वाली मात्रा, अव वाली मात्रा मिलती है, अर्थात क्या? अव, अर्थात क्या? ए, ठीक है। अब गुण में देखें, गुण में या तो आपको ओ मिलेगा, या तो आपको मिलेगा ओ मिलेगा, ए मिलेगा, नहीं तो मिल जाएगा अर। अब दीर्घ में देखेंगे तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, तो पुस्तक धन आले, पुस्तकालय बना रहा है, बड़ा आ बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। अच्छा दीर्घ संधि का सूत्र चाहे तो यहीं पर ही लिख लें। जब आपका छोटा आ या बड़ा आ मिल जाता है किससे? छोटे आ से, बड़े आ से, तो किसमें बदल जाता है? बड़े आ में बदल जाता है, ये है आपका नियम। ऐसे ही कभी छोटी ई है, बड़ी ई है, मिल जाती है किससे? छोटी ई से या बड़ी ई से, तो किस में बदल जाएगी? बड़ी ई में बदल जाएगी। इसे हम सजातीय मेल भी कहते हैं।
जब एक स्वर अपने से ही मिल जाए, अपने के अलग अलग रूप हो सकता है, छोटा बड़ा चल जाएगा, लेकिन जब ऐसे मेल हो तो क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाता है दीर्घ संधि। अभिधन उदय की संधि करनी है आपको। अभिधन उदय क्या बनाएगा, अभ्युदय बनाएगा, अभ्योदय बनाएगा, अभी उदय बनाएगा, अभ्युदय बनाएगा, अभिधन उदय क्या बनाएगा, अभ्युदय, अभ्योदय, अभियुदय या फिर अभ्युदय, अभ्युदय। अब क्या करना है, अच्छा संधि में एक बात ध्यान देने की जरूरत है, संधि हम क्यों पढ़ रहे हैं, संधि पढ़ने की जरूरत क्यों है, एग्जाम में तो पूछ लिया, लेकिन ध्यान देंगे संधि हम क्यों पढ़ते हैं, दो शब्दों के दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। संधि की सीधी सीधी परिभाषा, दो वर्णों का मेल। ध्यान देंगे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता संधि में, सिर्फ परिभाषा सुनिए, मोटा मोटा समझेंगे क्या कहा जा रहा है, कि जब आपके पास दो शब्द होते हैं, कई बार जब आप उनका साथ में उच्चारण करने लगते हैं तो दोनों शब्द मिल जाते हैं, और शब्द मिलते भी कैसे, पूरे शब्द मिल तो रहे हैं लेकिन जो मेन प्रभाव पड़ता है ना, तो वो बीच वाले वर्णों पर पड़ता है, पहले शब्द के अंतिम पर और दूसरे के प्रथम पर। उदाहरण के लिए पीछे वाला उदाहरण लीजिए, हिम घन आलय क्या बनाएगा, हिमालय बनाएगा, लेकिन कैसे, अब बार बार उच्चारण करके देखिए, हिम आलय, हिम आलय, हिम आलय, हिमालय, 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 हुआ क्या हो जाता है, जब दो शब्दों का आप मेल करते हैं, दो शब्दों के मेल के बाद पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण इस हिसाब से मेल करते हैं कि आपके उच्चारण में झलकने लगता है। ऐसे ही अब जब आप थोड़े बड़े स्तर पर जाएंगे, इसीलिए जब हम ऐसे मेल करें तो हिमालय, 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 ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, हिमालय बन जाता है। ये आपके उच्चारण वाला, ये उच्चारण के हिसाब से आप समझ सकते हैं। अब ऐसे ही हमें कैसे पता चले कि भाई जब आपका ई मिलेगा किसी भी विजातीय स्वर से, छोटी ई मिल जाती है किसी भी विजातीय स्वर से, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी छोटी ई किस में बदल जाएगी, छोटी ई आपकी य में बदल जाएगी, और बाकी के स्वर वैसे के वैसे ही, बाकी के वर्ण वैसे के वैसे ही। अब पता कैसे चले, अभिधन उदय, अभि उदय, अभि उदय, अभि उदय, अभि उदय, ठीक हुआ, उच्चारण करके देखिए, स्पीड में उच्चारण करके देखिए, अभी उदय, अभी उदय, अभी उदय, अभी उदय, अभी उदय, ठीक हुआ। ऐसे होता है जब आप मेल करते हैं, तो मेल में क्या होता है, उच्चारण में जो प्रभाव पड़ रहा है, संधि आपको वही बताती है। जब दो शब्दों के दो वर्णों का मेल होता है तो अंतर कहाँ पड़ता है, ये है आपके संधि पढ़ने का तरीका। थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन समझना जरूरी था। तो अभिधन उदय क्या बनाएगा, अभ्युदय, ठीक है। अब यहाँ पर ई तो गायब हो गया, अभ्युदय हुआ कि नहीं हुआ, अभ्युदय। अब उदय तो उदय ही रह गया लेकिन ई हट गया और ई के स्थान पर क्या बना है, अभ्युदय बना। सूत्र के हिसाब से देखेंगे तो वही आपका छोटी ई मिला, किसी भी जातीय से बन गया या, और बाकी का हट जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानना है, स्वर संधि पहचानी है, पुस्तकालय, सदगति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल। आसान है, कैसे आसान होगा, पुस्तकालय पीछे ही करके आए हैं, वैसे तो सदगति देख लीजिए, आप सभी को पता होगा कि ए ठीक है। सदगति कैसी गति, सदगति या सतगति, सतधन गति, पीछे आपको बताया था क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि आपका पहला वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण मिल जाता है अगर किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण से, चौथे वर्ण से, किसी भी स्वर से, या फिर य, र, ल, व, ह से। तो आपका पहला वर्ण किस में बदल जाता है, आपका पहला वर्ण बदल जाता है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो आपका सतधन गति त व्यंजन किस में बदल जाएगा, तीसरे व्यंजन, त थ द, द में बदल जाएगा, सतगति सदगति हो जाएगा। दिग्दर्शन देख लीजिए, दिग्दर्शन क्या बनाएगा आपका, दिग्दर्शन बना देगा दिग्दर्शन, दिक धन दर्शन, वही नियम अप्लाई होगा। ग है, ग कब आएगा, अगर क से बदलेगा तब आएगा। उज्ज्वल उत धन ज्वल क्या बनाएगा, उज्ज्वल बनाएगा। इस हिसाब से आप देख सकते हैं। आगे देखें, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनना है। अब आपको बताना यहाँ पर क्या हुआ है, संधि हुई है भाई, दो शब्द दिए आपको, दोनों शब्दों को करना है या दोनों शब्दों का मेल करना है, कैसे करें, अब बोल कर देखिए। फिर वही कहा था कि अगर संधि लग रही थोड़ी सी कठिन तो क्या करें, बोल कर देखिए, उच्चारण करके देखिए। सुउक्ति, 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 सुक्ति, सुक्ति हुआ, सुउक्ति, 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 सुक्ति, सुक्ति हो जाएगा। जब उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो शब्द कैसे कैसे मिल रहे हैं और उन दोनों के मिलने पर प्रभाव कहाँ पड़ता है। जब प्रभाव पड़ेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। सु धन उक्ति क्या बनाएगा, सुक्ति बनाएगा, कैसे। अब क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण देख लीजिए, सुधन उक्ति लिखा था, पहले शब्द का देखिए अंतिम वर्ण क्या है, स के बाद क्या लगी है, ऊ वाली मात्रा, ऊ में भी इधर है तो छोटा वाला ऊ होगा,
छोटा वाला उ अगर मिल जाए किससे, फिर छोटे वाले उ से ही सूधन उगती, तो दोनों मिलकर सजातीय मेल है, क्या बनाएंगे, बड़ा वाला उ बनाएंगे। और ये कहाँ मिलता है, ये भाई मिलता है आपको दीर्घ संधि में। अब दीर्घ संधि में तो आपने जान लिया, लेकिन सूधन उक्ति दोनों मिले और क्या बना, सवैसे का वैसा ही, लेकिन स नहीं से नहीं, सूक्ति बड़ा वाला ऊ चाहिए था, तो सूधन उक्ति सूक्ति हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण इनमें से देखें और बताएं स्वर संधि का सही उदाहरण क्या है। अन्वय होगा, किंचित होगा, तद्रूप होगा या निरस होगा, स्वर संधि का सही उदाहरण देखकर बताएंगे क्या होना चाहिए। स्वर संधि में पहचानना बहुत आसान है, व्यंजन संधि में तो कठिनाई भी आ सकती है, लेकिन स्वर संधि बहुत आसान पड़ेगी अगर थोड़ा ध्यान दे लें। अन्वय, किंचित, तद्रूप, नीरस, क्या करना है, स्वर संधि का उदाहरण देखना है। अन्वय कब बनता है, बीच में अगर व लगा है कब आएगा व, या व र कब आएगा, अगर आपका उ मिलेगा किसी भी विजातीय स्वर से, अनुधन आए, क्या बनाएगा, अन्वय बनाएगा। और ये आपको अ कैसे मिला, ध्यान दीजिएगा व के साथ कौन सी मात्रा लगी है, जो मात्रा लगी है वही अंत में जुड़ जाएगी, अनुधन आए, क्या बनाएगा, अन्वय बनाएगा। सूत्र में क्या लगता है, अगर आपका उ छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी मिल जाता है किसी भी विजातीय स्वर से, तो आपका उ किस में बदल जाएगा, ये आपका व में बदल जाएगा, और विजातीय जो भी है वैसे के वैसे ही। और ये संधि कौन सी है, ये है आपकी यण संधि का उदाहरण, ये यण संधि का सूत्र। तो स्वर संधि में यण संधि आती है, बिल्कुल आती है। किंचित, किम धन चित हो जाएगा, लिखते हुए चले जाए, किम धन चित क्या हो जाएगा, किंचित हो जाएगा, तद धन रूप, तत् धन रूप हो जाएगा, तत्रूप, नीरस, निधन रस, यहाँ पर है आपकी विसर्ग संधि, बाकी दोनों जगह आपको मिली है व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखें, यद्यपि, यद्यपि में कौन सी संधि है, ये तो बड़ा आसान है, यद्यपि तो आपको काफी बार करवाया था, और यद्यपि के लिए बताया क्या था कि आप अगर अलग अलग करके देख लेंगे दोनों शब्दों को तो थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। यद्यपि देखें और बताएं यद्यपि में कौन सी संधि है। चले, यद धन आप ही होगा, यद धन द्यपि होगा, यदि धन अपि होगा, फिर यदा धन अपि होगा, यदा धन अभी बिल्कुल गलत है, यदापि हो जाएगा, यदापि तो एकदम नहीं दिख रहा, यदि धन अपि, यदन दपि, यद धन आपि, गलत है, गलत है। सही कौन सा है, सी है, क्यों सी है, पहले तो शब्द को थोड़ा सही से लिख लें, यद यपि, यही क्या है, ये है आपका शुद्ध रूप, यही शुद्ध रूप है, इस हिसाब से भी आप लिखते हैं। अब आपको ये तो पता है ध के नीचे हलंत है, और यह आपको मिला है कुछ नया, अगर यह मिलेगा कौन सी संधि, या व र मिले, यण संधि का उदाहरण होता है। और यण संधि बनती कैसे है, अगर कभी भी, फिर वही छोटी ई है बड़ी ई है मिल रही है किससे, विजातीय स्वर से, इसके बाद क्या ध्यान दीजिए, यदि धन अभी इस हिसाब से ठीक हो जाएगा। तिरस्कार, तिरस्कार कैसे देखें, ध्यान दें विसर्ग संधि में हमेशा या तो आपका विसर्ग हट जाएगा और शब्द वैसे के वैसे, या तो विसर्ग रह जाएगा और दोनों का मेल हो जाएगा, या फिर पांच वर्ण आपको मिल सकते हैं, कौन कौन से, या तो आपको मिलेगी ओ वाली मात्रा, या तो आपको मिलेगा र, या तो आपको मिल सकता है तालु वाला श, या तो मूर्धा वाला श, या तो दंते वाला स, इतना क्लियर है। इसके बाद तिरस धनकार, तिरह धनकार, तिह धनकार, या तिर धनकार, क्या होगा, क्या ज्यादा सही हो जाएगा, तिरह धनकार सही होगा या नहीं होगा, तिरह धनकार, तिर ठीक था, कार ठीक था, स अंत में लगा है, जब आपका विसर्ग हटेगा तभी इन पांचों में से कोई वर्ण आपको मिलेगा वहां पर, नहीं तो पहले से ही लगा होना चाहिए। अगर र लगा हुआ था तो र तो रह ही जाएगा, लेकिन आपका विसर्ग, विसर्ग कैसे बदलेगा ऐसे। अच्छा, विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण है, किस वर्ण से मेल होता है, उस पर निर्भर करेगा कि कौन सा स लग रहा है। क, क का उच्चारण कहाँ से करते हैं, क का उच्चारण आप करते हैं कंठ से। चले आगे देखें, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह आपको लगता है गलत है, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, पर्याय के रूप में प्रयोग करते हैं, नारी, महिला, औरत, पर्याय के रूप में प्रयोग करते हैं, पहाड़ है, पर्वत है, पुस्तक है, ये भी प्रयोग किया जाता है पर्याय के रूप में, आपका आग, अग्नि, अनल, अब क्या है, ठीक लगा क्या, पुस्तक के साथ कभी आप पहाड़ शब्द, पर्वत शब्द प्रयोग करते हैं, नहीं करते, सीधे सीधे गलत, कई बार तेजी में गलत हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ा करें। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल सही था, नारी, महिला, औरत, तरुणी प्रयोग किया जाता है किसके लिए, भाई नारी के लिए, आग, अग्नि, अनल, ठीक है।
का अर्थ नहीं होता, कर का अर्थ क्या नहीं होता? कर का प्रयोग आप करते हैं सूर्य के लिए, हाथ के लिए, किरण के लिए, टैक्स के लिए, आप कर भरते हैं। भाई मार्च का महीना आएगा, खूब कर वाली बात चलेगी कि किसने कितना कर भरा, आपने कर भरा या नहीं, खूब सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी निकलेंगे। तो अब आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है, ये तो भाई नई सी बात हो गई। अब देख कर बताए कर का अर्थ क्या नहीं निकलता इनमें से। तो हाथ के लिए प्रयोग किया जाता है, कर का दान किया जाता है, अब कर का अर्थ हाथ निकलता है, बिल्कुल निकलता है। किरण के लिए भी प्रयोग किया जाता है, टैक्स के लिए, लेकिन सूर्य के लिए कर का प्रयोग नहीं किया जाता। आग का पर्यायवाची है क्या है? पुंडरीक है, वैश्वानर है, सैंधव है, शक्र है। आग का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तो पुंडरीक तो भाई बिल्कुल है। पुंडरीक है क्या? पुंडरीक क्या आपने कभी पढ़ा था? पुंडरीक शब्द आपने पढ़ा तो होगा, एक बार सोच कर बताएं अगर पुंडरीक आपने पढ़ा है। वैसे हमें याद आ रहा है ये वाला प्रश्न हम करवा चुके हैं। सैंधव सिंधु देश से सिंधु देश से संबंध रखने वाला सैंधव कहलाता है। इसके अलावा सैंधव शब्द आप पढ़ते हैं घोड़ा के लिए भी, तो घोड़े का पर्यायवाची है। आपका वैश्वानर अग्नि का पर्यायवाची माना जाता है, पुंडरीक नहीं भाई, पुंडरीक से कंफ्यूज ना हो, वैश्वानर माना जाता है अग्नि का पर्यायवाची। अब भाई पुंडरीक कमेंट करके बताएं, पुंडरीक आपको आखिरी क्लास में बताया था, पुंडरीक आपको याद रखना पड़ेगा, तो पुंडरीक कमेंट करके बताएंगे। आशय देख लीजिए, आशय शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा? आशय का अर्थ होता है आहार, आशय का अर्थ होता है आचल, आशय का होता है तात्पर्य अपरिहार्य। अच्छा झगड़ा हो रहा है अगर शुद्ध हिंदी में कुछ, तो आप कह नहीं सकते सामने वाले को कि तुम्हारे ये कहने का आशय क्या था, कहना क्या चाहते थे तुम? भाई कहना चाहते थे कि हमारे घर वाले बुरे हैं, कहना क्या चाहते थे, आशय क्या था तुम्हारा? ये आशय क्यों प्रयोग हो रहा है? तात्पर्य के लिए प्रयोग होता है, आशय अर्थात तात्पर्य। उहापोह की स्थिति, भाई उहापोह का पर्यायवाची क्या होगा? उहापोह की स्थिति में क्या होता है आपको समझ नहीं आता, क्या करना है, क्या ज्यादा उचित होगा? अच्छा सुबह से सुबह उठकर आप उहापोह की स्थिति में है कि क्या करें, पहले चाय पी लें या फिर पहले ग्रीन टी पी लें? उहापोह की स्थिति है निश्चित असमंजस, अभिभूत व्यग्रता, क्या कहलाएगा? असमंजस कहलाएगा। व्यग्र नहीं है, आप ध्यान दें, व्यग्र नहीं, असमंजस की स्थिति में है कि क्या करना ज्यादा बेहतर होगा। अभी निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा केसरी का पर्यायवाची होगा? देखकर बता सकते हैं। मृगेंद्र केसरी का पर्यायवाची है, भुजंग है केसरी का पर्यायवाची, तुरंग है या अनंग है, कौन सा होगा केसरी का पर्यायवाची? मृगेंद्र, भुजंग, तुरंग या अनंग, क्या होना चाहिए? ठीक, केसरी का पर्यायवाची। केसरी प्रयोग किसके लिए किया जाता है? केसरी तो भाई अच्छा खासा आपने सुना होगा, प्रयोग भी किया है और पर्यायवाची में प्रयोग करते हैं। अच्छा अनंग से तो कंफ्यूज नहीं होंगे, अनंग आपको बार बार करवा चुका है, करवाया जा चुका है अनंग। अनंग किसका पर्यायवाची माना जाता है? अनंग माना जाता है कामदेव का पर्यायवाची, कामदेव के लिए प्रयोग किया जाता है अनंग शब्द। अब इन्हीं कामदेव को क्या कहा जाता है? रतिपति भी कहा जाता है, और रति का प्रयोग इसीलिए आप करते हैं क्योंकि रति के पति हैं कामदेव, तो रति का प्रयोग आप प्रेम के लिए भी करते हैं। तुरंग घोड़ा के लिए प्रयोग किया जाता है? नहीं, तुरंग है आपका घोड़ा। भुजंग देख ले, मृगेंद्र देख ले। अच्छा मृगेंद्र के साथ आपको एक शब्द मिलता है और शार्दुल भी, तो शार्दुल से कंफ्यूज ना हो, शार्दुल का प्रयोग भी किसके लिए किया जाता है? इन्हीं के लिए किया जाता है। मृगेंद्र, शार्दुल, केसरी एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? बाघ होगा, शेर होगा, क्या होगा? भुजंग देख लीजिए, आगे चले। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची ठीक लिखा है, ठीक है। कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा? सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना, कालिंदी। कालिंदी पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान से, वैसे तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, सरस्वती के लिए आपको पता ही है भाई वीणा पाणी, जिनके हाथों में वीणा है, क्या प्रयोग किया जाता है उनके लिए? सरस्वती का, वीणा पाणी लिख भी लेंगे, वीणा है हाथों में जिसके, वीणा पाणी। लक्ष्मी, गंगा, यमुना, तो यमुना के लिए कालिंदी का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान देंगे लक्ष्मी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन पर्यायवाचियों का प्रयोग किया जाता है, उनमें से मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे, अधिकतम मिल जाएंगे पिछली के पर्याय के रूप में भी, तो कंफ्यूज ना हो। लक्ष्मी का पर्यायवाची जैसे कि है चपला, अब चपला प्रयोग करते हैं बिजली के लिए भी, और ध्यान देंगे गाँव में अभी भी लक्ष्मी कहा जाता है बिजली को, जैसे लाइट कटी लक्ष्मी चली गई, जैसे लाइट आई लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई। तो दिए गए विकल्पों में से बताना है गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। गोष्ठी का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? कलेवर गोष्ठी का पर्यायवाची है, काया है गोष्ठी का पर्यायवाची, कोष होगा गोष्ठी का पर्यायवाची, या सभा होगा गोष्ठी का पर्यायवाची।
गोष्ठी का पर्यायवाची क्या होगा? अच्छा, गोष्ठियां लगती हैं किसके लिए लगती होंगी? मान लीजिए खूब सारे साहित्यकार हैं, वो एक गोष्ठी बैठा रहे हैं किसके लिए? कि हाँ, चलते हैं जनता को कुछ बढ़िया सुनाएंगे, अपने साहित्यकारों को कुछ बढ़िया सुनाएंगे, दोस्तों को कुछ अच्छा सुनाएंगे। तो गोष्ठियां क्या कहलाती है? सभा कहलाती है। गोष्ठी का सही सही पर्यायवाची क्या है? सभा है। ये शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये तो करवाया हुआ है, ये अच्छा खासा करवाया हुआ है। ये का प्रयोग गृह के लिए, गर्दभ के लिए, व्योम के लिए या गाय के लिए? भाई ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? व्योम पर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, व्योम आपका क्या हुआ? व्योम हुआ आकाश, बादल नहीं है, आकाश है। आकाश और बादल में अंतर है, बादल से आपकी वर्षा होती है और आकाश में ही आपको बादल दिख जाते हैं। आगे देखें, गोष्ठी का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है भाई, गोष्ठी का आप सभी का उत्तर सही होगा, गेह वाला देख लेते हैं। गेह शब्द का पर्यायवाची क्या है? व्योम पर आप लोग आ चुके थे, व्योम आकाश। व्योम का पर्यायवाची क्या माना जाता है? आकाश माना जाता है। इसके अलावा अगर बादल का देखना चाहें तो फिर वही क्या करें, पानी वाले पर्यायवाचियों के अंत में द लगा दीजिए। जलद है, तुयद है, अम्बुद है, नीरद है, वारिद है, सब माने जाते हैं बादल के पर्यायवाची, आकाश के नहीं, बादल के। अच्छा, गाय का भाई कामधेनु किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गाय के लिए किया जाता है या नहीं किया जाता? अब गेह का प्रयोग किया जाता है गृह के लिए। ध्यान देंगे, ये आपका गृह है जहाँ री वाली मात्रा है, एक आपको मिल जाता है ग्रह। दोनों का उच्चारण भी अलग है, अर्थ भी अलग अलग होगा। इन वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसे गिना ना जा सके। ये तो आसान सा है, जिसे गिना ना जा सके उसे आप क्या कहेंगे? अगिनत, अनगिनत, अनगिनत या फिर अनगिनत। अगिनत होगा क्या भाई? जिसे गिना ना जा सके अगिनत कह लो, अगिनत नहीं अनगिनत ज्यादा सही है। अगिनत अशुद्ध है, अगिनत भाई लेखनी में भी अशुद्ध है, तो उसे ठीक कर लेंगे। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, जिसे वाणियों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जिसे वाणी से व्यक्त ना किया जा सके। बीच में हमने वाणियों प्रयोग किया, गलती हुई, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। वाणी आपका बहुवचन में प्रयोग होता है। अनिर्वचनीय, अनिवचनीय लिखा है, अनिर्चनीय, अनिचनीय, अगर ऐसे बोले तो ठीक है, अनिर्वाचनीय, अनिर्वचनीय, सुनकर ही लग रहा होगा कौन सा सही। जिसे वाणी से व्यक्त ना किया जा सके, जिसे वचनों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, अनिर्वचनीय, वचन से व्यक्त ना किया हुआ अनिर्वचनीय हो जाएगा। बाकी तीनों अनिर्वचनीय के शुद्ध रूप, अशुद्ध रूप है। अपराध बोध से होने वाली ग्लानी, वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। ऐसी ग्लानी जो आपको अपराध के बोध से होती है क्या कहलाएगी? लज्जा कहलाएगी, निंदा कहलाएगी, आत्मग्लानी या पश्चाताप। भाई आपने कोई अपराध किया, आपसे कोई अपराध हो गया, अब आपको क्या हो रही है? आपको ग्लानी हो रही है, क्या होगा? लज्जा, निंदा, आत्मग्लानी या पश्चाताप। भाई पश्चाताप आप कब करते हैं? पश्चाताप आप करते हैं कि गलती हुई, सामने वाले से आपने माफी भी मांगी, अब उस माफी के लिए क्या कर रहे हैं? माफी के लिए भाई कोई कार्य भी कर रहे हैं, बीच में छोड़ नहीं दिया। यहाँ ठीक है, कोई गलती हुई थी, माफी मांग ली, अब काम खत्म, ऐसे नहीं भाई। पश्चाताप वाला रास्ता छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा रास्ता माना जाता है। चलिए अब देख लेते हैं। तो अपराध बोध से होने वाली ग्लानी कहलाती है आत्मग्लानी, अपनी ग्लानी, आत्म की ग्लानी है। पश्चाताप का स्तर थोड़ा बड़ा हो जाता है, आपको गलती भी पता है, आपने क्षमा भी मांग लिया, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? उस गलती को सुधारने के लिए अनेक प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। भाई सुधारने के लिए आप कुछ कुछ प्रयास तो कर ही सकते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी भुजाएं घुटनों तक है लंबी, क्या कहा जाएगा उन्हें? अजान बाहु, अजानु बाहु, समबाहु, विषम बाहु। विषम बाहु, बाहु क्या होगी? जिसकी बाहुएं, जिसकी भुजाएं क्या है? असमान है, बराबर नहीं है। समबाहु, जिनकी दोनों भुजाएं हैं बराबर, तो ये भी गलत है। अजानु बाहु देख ले, अजान बाहु देख ले, तो अजानु बाहु शुद्ध भी है। और अजानु बाहु प्रयोग किया जाता है एक ऋषि मुनि के नाम के लिए भी, तो उनका नाम चाहे तो गूगल कर लीजिए। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उन्हें क्या कहते हैं? आपके घर में आपके माता पिता होंगे, आपसे बड़े ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। छोटा सा काम किया, सिर्फ बर्तन वर्तन धो दिए, प्रसन्न हो गए, तो ये कहलाएंगे क्या? शीघ्र प्रसन्न होने वाला क्या कहलाएगा? प्रसन्नचित्त कहलाएगा, प्रसून कहलाएगा, प्रसन्ना कहलाएगा या कहलाएगा आशुतोष? तो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए, प्रसन्नचित्त, प्रसून, प्रसन्ना, आशुतोष, क्या होगा? ठीक है, प्रसन्नचित्त, प्रसून, प्रसन्ना, आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाला। प्रसन्नचित्त जिसका चित्त प्रसन्न हो, कंफ्यूज ना हो, प्रसन्नचित्त क्या है? जिसका चित्त प्रसन्न हो वो प्रसन्नचित्त कहलाएगा, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वो आशुतोष कहलाता है। भाई तुरंत प्रसन्न होने वाला, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, थोड़ा सा आपने एफर्ट लगाया, सामने वाला तुरंत खुश हो गया, क्या है वो? आशुतोष है।
अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। अपने जीवन पर आप जो स्वयं कथा लिखते हैं उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, रेखा चित्र का, संस्मरण का, आत्मग्लानी का या आत्मकथा का? बाकी सब तो समझ में भी आता, आत्मग्लानी नहीं होगी भाई, हम अपने लिए कथा लिख रहे हैं, आत्मग्लानी करके थोड़ी लिखेंगे। आत्म की कथा आत्मकथा कहलाती है, दूसरों के जीवन पर लिखी हुई कथा क्या कहलाती है, वो आपकी जीवनी कहलाती है। विधाओं में काफी बार पूछ लिया जाता है। रेखा चित्र से क्या अभिप्राय है, रेखा चित्र और संस्मरण में आपको क्या दिखाई देता है? संस्मरण में जो पुराना बीत गया, किसी कवि के साथ, किसी लेखक के साथ, भाई किसी साहित्यकार के साथ कुछ हुआ, उसने अपनी विधा में, चाहे कविता में, चाहे कहानी में, चाहे नाटक में, जिस भी हिसाब से चाहे व्यक्त कर रहे थे। वैसे संस्मरण आपकी अपनी अलग ही विधा हो जाती है, लेकिन फिर भी समझने के लिए समझ सकते हैं। तो संस्मरण विधा में, रेखा चित्र विधा में आपको क्या दिखाई देगा, जो बीता जा चुका है, जो लेखक याद कर रहा है वैसा ही कुछ लिखता है। रेखा चित्र में आपको एक व्यक्ति का रेखा चित्र मिल जाएगा, उसका वर्णन किया होता है। जैसे महादेव वर्मा के रेखा चित्र बहुत प्रसिद्ध है, एक ठकुरी बाबा करके रेखा चित्र है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। जिनका संबंध अध्यात्म से हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा, आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रीय या नैतिक? भाई नीति से संबंध रखने वाला, एकदम नीति से जुड़ा हुआ काम करने वाला नैतिक कहलाता है। धार्मिक, जो धर्म को मानता है, जो धर्म से जुड़ा है धार्मिक हो जाएगा। शास्त्रीय, जो शास्त्रों पर भरोसा करता है, जो शास्त्रों से जुड़ा है शास्त्रीय। आध्यात्मिक क्या होगा, जो आध्यात्म से संबंध रखता है वो आध्यात्मिक है। एक है चिर, एक शब्द है चीर, अर्थ क्या होगा, चिर और चीर का अर्थ पता है, नया, पुराना, किला, कास, पुराना कपड़ा, चर और अचर। चिर और चीर का अर्थ देख लीजिए क्या होगा, क्या चिर का अर्थ होगा नया, क्या चिर का अर्थ होगा किला, क्या चिर का अर्थ होगा पुराना, या चिर का अर्थ होगा चर? एक शब्द एक अर्थ के साथ जाएंगे तो ऐसे वाले प्रश्नों में बहुत आसानी हो जाती है। भाई चीर का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं, चीर है, वस्त्र है, वसन है, एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं, तो उसी पर आ सकते हैं। और चीर का अर्थ क्या होता है, चीर, चीर का अर्थ प्रयोग करते हैं आप किसके लिए, चीर प्रयोग करते हैं कपड़ा, वसन के लिए और वस्त्र के लिए। चिरकाल से ये बात चल रही है, चिरकाल अर्थात पुराना समय, भाई पुराने समय के लिए चिर का प्रयोग करते हैं, चीर का प्रयोग करते हैं कपड़े के लिए। एक है मंदिर, एक है मंदिरा। मंदिर शब्द देखें और मंदिरा शब्द देखें, इनका युग्म बताएंगे, युग्म का उपयुक्त अर्थ कौन सा है। मंदिर का क्या अर्थ पूजा घर नहीं होता, क्या मंदिर का अर्थ होगा घर, क्या मंदिर का अर्थ होगा गुफा, क्या मंदिर का अर्थ होगा देवालय? अब दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, दो तो क्लियर है कि घर नहीं होगा, गुफा नहीं होगा, है मंदिर आप जाते हैं दर्शन करने ईश्वर के, पूजा घर या देवालय, इनमें से कुछ हो सकता है। अब मंदिरा में कन्फ्यूजन होता है, मंदिरा पुजारी को कहा जाता है, अश्वशाला को तो बिल्कुल पुजारी पर तो जाए ही नहीं, अश्वशाला के लिए मंदिरा का प्रयोग किया जाता है। मंदिरा अर्थात क्या, अश्वशाला, जहां घोड़े बांधे जाते हैं, जो घोड़ों के रहने का स्थान है वो कहलाएगा मंदिरा। निम्न में से कौन सा आदि और व्याधि शब्द का युग्म में आदि का अर्थ है? अच्छा इनमें से सिर्फ आदि पूछा है, आदि का बता दी थी, व्याधि का तो आपको पता ही होगा। आदि क्या होगा, मानसिक कष्ट, आधा या पागलपन, आदि का अर्थ क्या निकलेगा? अच्छा पहले व्याधि क्लियर कर ली, व्याधि का अर्थ क्या होता है, व्याधि को कहा जाता है रोग, उन्हें कुछ बहुत भयानक कह सकते हैं, भयानक व्याधि हुई है, उन्हें कुछ बहुत खतरनाक व्याधि है, व्याधि अर्थात बहुत भयानक रोग है, बहुत खतरनाक रोग है, भयावह रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है, ऐसी व्याधि भी हो सकती है। आदि क्या होता है, आदि का अर्थ क्या निकलता है, आधा से तो बिल्कुल नाले, मानसिक पीड़ा को कहा जाता है आदि, आदि क्या है, मानसिक पीड़ा के लिए प्रयोग किया जाता है या मानसिक कष्ट के लिए। सकल है और शकल है, बताएंगे सकल और शकल का अर्थ क्या होता है, क्या सकल का अर्थ होता है कला, क्या सकल का अर्थ होगा सन, क्या सकल का अर्थ होगा संपूर्ण, क्या सकल का अर्थ होगा सबल, सकल से क्या अर्थ निकलता है, कला, सल, संपूर्ण, सबल। अब देखें सकल देख लीजिए, पहले तो सकल जगत में यही बात चल रही है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ईश्वर दुनिया पर नजर डालते हैं, सकल जगत में यही बात चल रही है। अगर हम ऐसा कहते हैं तो हम कहना क्या चाहते हैं, सकल, कला, सन, संपूर्ण, सबल, किसके लिए प्रयोग कर रहे होंगे, तो सकल का आप प्रयोग करते हैं सकल जगत संपूर्ण के लिए प्रयोग करते हैं, बाकी आपका आ जाता है शकल, तो शकल प्रयोग किया जाता है अंश के लिए, और एक आप शकल प्रयोग करते हैं किसके लिए, तुम्हारी शकल पर 12 क्यों बजे हैं, भाई चेहरे के लिए भी प्रयोग किया जाता है शकल, कंफ्यूज ना हो, दोनों ही शब्द प्रयोग होते हैं। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इनमें से देखें और बताएं कि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। ठीक है, देखकर बताएं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई, चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई, क्या ये शुद्ध लग रहा है,
चिड़िया दनादन पांचों दाना चुग गई। अब कुछ अलग है, अच्छा यहाँ पर पांच लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है, पांच ऐसे कर ले, पांचों दाने चुग गई, चिड़िया दनादन पांच दाना चुग गई, चिड़िया दनादन पांच दाना चुग गई, चिड़िया दनादन पांच दाना चुग लिए, चिड़िया दनादन पांच दाना चुग गई। अब क्या ध्यान देना है, पांच दाना चुग गई, चिड़िया दनादन पांच दाना चुग गई, सुनने में ज्यादा सही लग रहा है, चिड़िया दनादन पांच दाना चुग लिए गलत है, चिड़िया ने दनादन पांच दाना चुग गई गलत है, चिड़िया दनादन पांचों दाने चुग गई ये ज्यादा सही है, चिड़िया दनादन पांच दाना चुग गई, पांच दाना नहीं पांच दाने होगा। ठीक है, पांच के साथ अब दाना का प्रयोग थोड़ी करेंगे, अब भाई बहुवचन आएगा ही आएगा पांच के साथ, तो पांचों दाने हो जाएगा। आगे देख लें, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इनमें से देखिए और बताए शुद्ध वाक्य कौन सा है। बतकों का झुंड पानी में तैर रहा था, बतकों के झुंड पानी में तैर रहे थे, बतकों का झुंड पानी में तैर रहे थे, बतकों का झुंड पानी में तैर रहे थे। सुनकर देखें, बतकों का झुंड पानी में तैरते थे गलत है, बतकों के झुंड पानी में तैर रहा था, बतकों का झुंड पानी में तैर रहे थे। अब सीधे सीधे पता चल जाएगा कौन सा सही है, बतकों का झुंड पानी में तैर रहा था, ये वाला होगा शुद्ध। शब्द शुद्धि समझ में आए कि क्या करना है, सिर्फ शब्दों की शुद्धता देखनी है, लेकिन वाक्य शुद्धि में आपको शब्दों की भी शुद्धता देखनी होती है, सीक्वेंस भी देखना होता है कि भाई क्रम आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्रम भंग नहीं होना चाहिए, इसके बाद शब्दों में शुद्धता तो होनी ही चाहिए, क्रम भंग ना हो शब्दों का, क्रम भंग ना हो किसका, वर्णों का शब्दों में, नहीं तो क्या होंगे आपके वाक्य अशुद्ध हो जाएंगे। इनके में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इनमें से बताएं शुद्ध वाक्य कौन सा है। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है, नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है क्या, नदियों के पानियों से सिंचाइयां की जाती है, नदियों के पानी से सिंचाइयां की जाती है या नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। सिंचाई क्या है भाई, नदियों में पानी लगाना, नदियों के पानी से खेतों में पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई करना कहलाता है। इसी के लिए आप प्रयोग करते हैं फावड़े का, फरुआ का, ताकि भाई जो जमीन है उसे थोड़ा बहुत काटा जा सके, तो नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है ये सही है। पानियों नहीं होता है, सिंचाइयां नहीं होती है, सिंचाई भी आप प्रयोग करते हैं बहुवचन में और पानी प्रयोग करते हैं बहुवचन में, पानियों नहीं प्रयोग किया जाए कि पानियों लाकर पिला दो बहुत ज्यादा लोग आए हैं, ऐसे थोड़ी, पानी लाकर पिला दो बहुत ज्यादा लोग आए। सही विकल्प का चयन करना है जो इनमें से शुद्ध है। मैंने गुरु जी का दर्शन किया, मैंने गुरु जी को दर्शन किया, मैंने गुरु जी को दर्शन किए, मैंने गुरु जी के दर्शन किए, सुनकर ही पता चल जाएगा। गुरु जी का दर्शन किया, मैंने गुरु जी का दर्शन किया, मैंने गुरु जी के दर्शन किए। अब देख कर बताए, दो में दिक्कत है बाकी में तो डाउट नहीं होगा। मैंने गुरु जी को दर्शन किए, मैंने गुरु जी को दर्शन किए, मैंने गुरु जी का दर्शन किया, मैंने गुरु जी के दर्शन किए, तो भाई किया नहीं किए होगा, ये है शुद्ध। दिए गए विकल्पों में से त्रुटि का चयन करना है, फिर बताना है इनमें से गलती कहाँ है, त्रुटि कहाँ है। महामहिम राष्ट्रपति, क्या ये शुद्ध है, हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा, कोई त्रुटि नहीं। महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा, उद्घाटन करेगा होगा क्या, कोई भाई अड़ोसी पड़ोसी है क्या कि किसी को कुछ भी कह दे कि हाँ आ रहे हैं उद्घाटन करेगा वो, ऐसा थोड़ी, उद्घाटन करेंगे होगा, तो सी में ही क्या है, सी में आपको गलती दिखाई देगी। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, रामायणी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजनीय है, आपका भविष्य उज्जवल हो, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, तो अब क्या दिखना चाहिए। इनमें से आपको बताया है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, अब वही बात जो आपको बताई थी, आपको क्या करना है, ध्यान देना है, जरूरी नहीं कि आपके वाक्य में क्या है सिर्फ वाक्य अशुद्ध है, शब्दों की भी शुद्धता, भाई शब्दों की भी शुद्धता का ध्यान रखें। रामायणी उच्च कोटि का काव्य है, शुद्ध है, आपका भविष्य उज्जवल हो, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, माता पिता पूजनीय है, क्या ये ठीक होगा, पहले तो सारी चीजें हटा दी जाए, माता पिता पूजनीय है या माता पिता पूजनीय है, क्या कहा जाता है, कई बार आता है शब्द शुद्धि में ये वाला शब्द, पूजनीय और पूजनीय, तो पूजनीय एकदम शुद्ध होगा, पूजनीय गलत माना जाता है। अब यहाँ से ये वाला प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है, 44 ही प्रश्न रखे गए थे आज की पीपीटी में, वही बात है कि हमारे 45 प्रश्न तो हो जाते हैं हमारी क्लास पे, और आप लोग प्रश्न भी काफी अच्छी स्पीड से कर लेते हैं। उम्मीद है आज वाली क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। राजस्थान लाल डीसी कोर्ट हाई कोर्ट के लिए हम करवाते हैं व्याकरण वाली प्रश्नोत्तरी। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी व्याकरण पूछा जाता है तो भाई ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा अगर हिंदी साहित्य के प्रश्न करने चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। भाई कोई नया विषय पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और ये है आपके टेलीग्राम चैनल का नाम रिजल्ट गुरु ग्रुप, यहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल का QR कोड है वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि टेलीग्राम चैनल कहाँ से डाउनलोड करें, तो यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्लास आपकी हो चुकी है इसकी PDF वहाँ पर अपलोड हो जाएगी, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो जो गलतियाँ हो रही थी, जो जो डाउट हो रहे थे वहाँ से क्लियर कर लीजिए। अगर किसी प्रश्न में लगता है कि ज़्यादा डाउट है, भाई क्लियर नहीं हुआ, तो कमेंट करके बता देंगे। किसी का आंसर आपको थोड़ा गलत लगा है तो भी बता देंगे। किसी प्रश्न में डाउट हो रहा था तो भी बताइए। किसी और क्लास से कोई प्रश्न देख कर आए हैं तो भी डाउट हो रहा है तो भी कमेंट कर दीजिए। आपको भाई कमेंट हम देखते रहते हैं लगातार, तो कमेंट के आंसर अगली क्लास में मिल जाएंगे। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कमेंट किया उत्तर नहीं आया, तब क्या करें, जैसे ही लाइव क्लास का शेड्यूल लग जाता है कि हाँ आपकी कल लाइव क्लास होगी 9 बजे, तो आप वहां पर जाकर पहले से कमेंट छोड़ दिया करें कि हाँ इस क्लास में हमें ये डाउट है, या फिर पहले हमने कोई क्लास ली, या फिर कोई नया विषय है हमें ये डाउट हो रहा है, नहीं समझ आया, क्या करें। ऑनलाइन क्लास जो होने वाली है वहां पर भी कमेंट छोड़ देंगे तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ाई करते रहे, अभी अच्छा खासा समय है, हो जाएगा भाई। एग्जाम में आप लोग अच्छा करके आएंगे, एकदम पूरी उम्मीद है। चलिए मिलते हैं ऑनलाइन क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।